अभी मैं 19 अगस्त को फ्राइडे को मिलके आया हूं, उससे मुलाकात हुई है और वो पढ़ने वाला लड़का है। लगातार जब से उस पर झूठा केस लगाया गया उसके बाद भी वो स्टडी कर रहा है। उसकी जीवन जीने के प्रति मैंने सब मुलजिम देखे, इतने अपनी क्रिमिनल लाइफ में देखे, प्रैक्टिस क्रिमिनल प्रैक्टिस में मैंने मुलजिम को देखा है। उसमें जीने की जो चाह है, आगे इतना काम करने की चाह, उसे अपने परिवार को सपोर्ट करने की चाह, उसने यहां तक जेल अधिकारियों से भी एप्लीकेशन लगाई कि मुझे मशक्कत कराई जाए। मशक्कत का अर्थ होता है जेल में हमसे काम लिया जाए जिससे कि हम कुछ पैसे करके अपनी बहनों की शादी करनी है, उसे बहन की शादी करनी है। दो बहनें हैं और दो बहनों में से एक डायबिटिक पेशेंट है, छोटा भाई है, फादर बीमार रहते हैं, मां बीमार रहती, बुजुर्ग हैं, उम्र दराज है उनके, तो वो चाहता है कि हम अपने परिवार को किसी तरह से सपोर्ट करें। और आपने ट्रायल के दौरान देखा, उसने आईएएस एग्जाम दिया, आर्मी का एग्जाम दिया, वो पास किया उसने, उसमें क्लरिकल ग्रेड था, उसमें पास किया, तब उसका राइट हैंड तोड़ दिया गया, उसके बाद उसे स्लो पॉइजन दिया गया। तो जेल में जेल, मैं ये नहीं कह रहा कि जेल अधिकारी उसे मार डालना चाहते, मैं इस पर ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि जेल अधिकारियों और दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधीन तिहाड़ जेल आती है, उनका कर्तव्य है, वो ड्यूटी बाउंड है, जो कन्विक्ट हैं जिनका ट्रायल चल रहा है इतने सेंसेशनल मैटर में, उनकी जान की सुरक्षा करना। दिल्ली सरकार ये अपनी बचत करने के लिए एक अटेम्प्ट टू सुसाइड का बहाना ढूंढ के रखते हैं कि ये बोल दो, उसकी कोई ऐसी मानसिकता नहीं थी, वो स्थिर मानसिकता का लड़का है, योग्य लड़का है, पढ़ रहा है, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए का एग्जाम सेकेंड ईयर के दिया है, उसने बराबर पढ़ रहा है।